हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों क्लासेस अपनी जारी हैं और कल की क्लास को काफ़ी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वोकैब की क्लासेज आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी, वीक में आपको दो क्लासेज मिनिमम वोकैब की मिलेंगी। इसके अलावा ग्रामर आपकी चलेगी, नोट्स आपको धीरे धीरे मिलते चलेंगे, अभी कंटेंट का काम चल रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, टेंशन ना लें, नोट्स आपको मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं किए हैं जल्दी से एनरोल करें, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। बस अभी भी ऑफर चल रहा है केवल 199 में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एनरोल नहीं कराया है, कोर्स नहीं खरीदा है, ओनली 199 में आप लोगों को मिल रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कराएंगे आपको कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, अप्रोक्स 5000 प्लस। इसके अलावा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज, क्लोजेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम पैराजंबल, ये सब हम लोग करने वाले हैं ओनली 199 में दोस्तों। तो जो स्टूडेंट अभी भी एनरोल करना चाहता है वो मोर डिटेल्स के लिए 7835856156 इस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, है ना, इस नंबर पर आपको कॉल करना है या मैसेज करना है या व्हाट्सएप करना है, करिए। और 199 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है जिसका ड्यूरेशन रहेगा लगभग 5 मंथ्स। तो वेट किस बात का दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन करो। और आने वाली जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पे होंगी, बस कुछ दिन और हैं बाकी जो चल रहा है काम एप्लीकेशन पे। इसके बाद में आप लोग एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं प्लीज वेट मत करिए, इससे सुनहरा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। ओनली 199 में पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स। इसके बाद आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी के लिए अलग से प्रिपेयर करें, चाहे आप SSC दे रहे हैं, SSC, MTS, CHSL, CGL, Air Force, NDA, Y ग्रुप, एप्स ग्रुप, NVS, KBS, CTET, SuperTET, UPTET, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बस एक बार आप एनरोल करें और इस बात पे भरोसा करें कि आपको वो बेहतर क्वालिटी मिलेगी जो आप तक आज तक आपने शायद नहीं सोची होगी कि अब तक कैसी क्वालिटी कहाँ थी। तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों की 7th शायद 8th क्लास है, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मिस हो रहा है माइंड से। ओके, कमेंट करें कौन सी क्लास चल रही है आज, और प्लीज अपने फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर करें। तो चैप्टर अपना चल रहा है ग्रामर में, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स को। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दो पॉइंट इसके हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स, आज डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। तो भाई जल्दी जल्दी शेयर करें, फटाफट से शेयर करें क्लास को, और जितने भी आप लोगों के मिलने वाले फ्रेंड सर्किल में हैं सबको जोड़ लें, सबको जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों को। यस, तो आज सीखते हैं पॉइंट नंबर 3। और देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड मैनी, अ मैनी एन, मोर देन वन। ओके, अपार्ट फ्रॉम मोर देन वन, मोर देन 2, 3, 4, 5 एंड मोर, और इसके बाद नाउन, और इसके बाद
देन वन। ये स्ट्रक्चर है कुछ सेंटेंस के, ओके ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बात समझिए, बहुत ही सिंपल सी बात समझेंगे कि भाई देखो तो नाउन जो होता है ना, एक वर्ड है नाउन, नाउन की खास बात ये होती है कि नाउन हमेशा उस वर्ड से इंप्रेस होता है जो उससे पहले है। यानी कि नाउन का नेचर दो तरह का है, या तो ये बेटा सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर आपको ये समझना है नाउन से पहले आने वाला वर्ड, जो भी नाउन से पहले आने वाला वर्ड है ये डिसाइड करेगा कि नाउन कैसा है। देखो ध्यान रखना नाउन का पड़ोसी कैसा है। अगर नाउन का पड़ोसी बेटा अच्छा है तो ये नाउन भी अच्छा है, अगर ये बेकार है तो ये भी बेकार है। क्योंकि देखो आप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपका पड़ोसी खराब है तो एक ना एक दिन तो आपका मन करेगा कि यार ला इसे देख लो एक बार। तो बस इतना समझ जाना कि जैसा बेटा ये वर्ड है ऐसा ही हमारा नाउन है। देखो अगर मैंने वर्ड लिखा बॉय और एक वर्ड लिखा बॉयज, और आपसे ये पूछूं मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल बताओगे कि सर ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम सही है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं मैंने बेटा यहां लिखा अ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अ बॉय अ बॉयज, जल्दी से कमेंट करें अ बॉय या अ बॉयज। तो एक की बात हो रही है बेटा, एक लड़का या एक लड़की, जल्दी बताओ एक लड़का कहना चाहिए या एक लड़की। यस एग्जैक्टली बोलेंगे क्या एक लड़का यानी कि अ बॉय। अगर मैं आपसे ये बोलूं टू, दो, दो लड़के या दो लड़का, दो लड़के। अगर मैं आपसे बोलूं दीज, ये, तो तुरंत बोलोगे बॉयज। अगर मैं बोलूं बेटा दिस, यह, तो बोलोगे बॉय यह लड़का, दोज वे लड़के, ओके। तो जैसे ही मैं आपसे देखो दैट वह लड़का, मैंने बोला मैनी, तुरंत बोलोगे आप मैनी, कई सारे हो गए तो बॉयज। तो जैसे ही नाउन से पहले जो भी वर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि नाउन कैसा होगा, या तो सिंगुलर या प्लूरल। फटाफट से कमेंट करा, ये बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से बताएं। नाउन से पहले आने वाला वर्ड ये डिसाइड करता है कि नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल। इतनी बात हम लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो फटाफट कमेंट करें। अब इंग्लिश है आप लोगों के लिए बहुत इजी, चिंता मत करना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बचेगी नहीं आपसे, औकात नहीं है पेपर की कि आपसे बाहर निकल जाए बेटा। चलो जल्दी बताओ मैनी बॉय या मैनी बॉयज। यस आई होप समझ गए होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सम, सम के साथ मैं बॉय लगाऊं या बॉयज लगाऊं, जल्दी से कमेंट करें सम बॉय सम बॉयज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, यानी कि समझ पा रहे हो। बचोगे कहां बेटा, समझ में आए ना? पवन संगर पढ़ाए हो समझ में ना आए, हो ही नहीं सकता। सम बॉयज यानी कि इसका मतलब होता है बेटा कुछ और कुछ लड़के, ओके कुछ लड़के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और आप ना समझ पाओ, प्यार से या हाहाकार से समझोगे जरूर तुम लोग। तो सम बॉयज, तो अब आपको बस ये समझना है कि यहां तक हम ये कंसेप्ट समझ गए कि बेटा नाउन से पहले जैसा वर्ड होता है वैसा हमारा नाउन होता है। चलो तो अब एक बात समझना, अब ये वर्ड्स मिले मैनी अ मैनी एन मोर देन वन मोर देन टू थ्री फोर फाइव मोर के बाद नाउन, जल्दी से कमेंट करें नाउन। लगाना है वर्ब ओके और लगाना है पजेसिव, तीन चीज लगाते हैं चलो आज ओके। देखेंगे नाउन का नजदीकी पार्टनर कौन, ए या मैनी। नाउन के नजदीक में कौन पड़ेगा, अगर इधर से चलाएं तो ए पड़ेगा या मैनी पड़ेगा, ए। यस गाइस आर्टिकल ए और ए की वैल्यू बेटा एक, और एक हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया तो नाउन कैसा, सिंगुलर। वेरी गुड, जल्दी बताओ एन, एन की वैल्यू एक, जब एन की वैल्यू एक तो बेटा ये हो गया सिंगुलर और नाउन फिर हो गया सिंगुलर।
और मेरे बच्चों नाउन सिंगुलर तो वर्ब ऑटोमेटिक कैसा सिंगुलर और ये भी कैसा हो गया सिंगुलर। जब नाउन और वर्ब सिंगुलर तो पजेसिव भी सिंगुलर, मेल होगा तो हिज, फीमेल होगा तो हर और नॉन लिविंग होगा तो बेटा इट्स। सिंपल यहां ये रख दो। अब आ जाओ अगले पर, मोर देन वन। देखो बेटा वैल्यू कितनी है, नाउन के नजदीकी कौन है वन, वन की वैल्यू एक, एक की वैल्यू है तो नाउन कैसा बेटा सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब हो गया सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर हुआ तो पजेसिव कैसा हो गया सिंगुलर। वेरी गुड, जल्दी से बता दो 2 3 4 5 फटाफट कमेंट करके बताएंगे 2 3 4 5 क्या करें, सिंगुलर या प्लूरल, जल्दी से कमेंट करें सिंगुलर या प्लूरल। यस, टू की वैल्यू 2 3 4 5 यानी कि एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, प्लूरल हुआ तो नाउन कैसा बेटा प्लूरल, नाउन प्लूरल तो वर्ब हो गया प्लूरल, वर्ब प्लूरल तो पजेसिव लगा दो प्लूरल यानी कि देयर। ओके जल्दी से फटाफट कमेंट करें नाउन कैसा लगा है यहां पे, नाउन का नजदीकी देखो, नाउन का नजदीकी देखो और मुझे बताओ कि नाउन सिंगुलर हो गया प्लूरल, जल्दी बताएंगे फटाफट बताएंगे कि नाउन प्लूरल हो गया सिंगुलर, नाउन का नजदीकी देखो, नाउन से जस्ट पहले कौन है मोर, और मोर का मतलब बेटा एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का मतलब हो गया प्लूरल, और प्लूरल हो गया तो नाउन कैसा प्लूरल, नाउन प्लूरल तो वर्ब कैसा प्लूरल, और वर्ब प्लूरल तो पजेसिव भी कैसा बेटा प्लूरल, यानी कि आंसर बन गया लिया। ओके बेटा एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैनी अ के बाद नाउन कैसा, वर्ब कैसा, पजेसिव कैसा। अब क्वेश्चन को जरा देख लो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका या तो एरर में, ग्रामर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3 तरीके से बनता है, या तो बनेगा एरर फाइंड आउट द एरर, या बनेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बन रहा है तो बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स, इन 3 के अलावा क्वेश्चन बनेगा। ओके तो बताएं देयर आर मैनी अ बुक इन द लाइब्रेरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट कमेंट करके बताएं कि इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, सेंटेंस के कौन से हिस्से में एरर है, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी लोग, आई एम वेटिंग। इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, There are many a book in the library. Okay. तो देखो मेरा many a noun कैसा बेटा singular, यानी कि book singular है, verb कैसा लगेगा singular, और यहां verb कैसा है plural, error हुआ a में, r को cut कर दो, answer बनेगा is. Yes? Okay. Next question. अगला क्वेश्चन बताएंगे मोर देन वन, मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, सेंटेंस में बेटा एक से ज्यादा एरर की गई है, जल्दी से कमेंट करें कौन कौन सी एरर है, और आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं सेंटेंस में अप्रोक्स 3 एरर है, और तीनों एरर्स को कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से एरर्स आप लोगों को लग रहे हैं, जल्दी से बताएं 3 एरर्स हैं, 3 एरर हैं सेंटेंस में, जल्दी से कमेंट करें कौन कौन से एरर हैं, फटाफट बताएं। यस, पहला एरर वन आया, नाउन सिंगुलर यानी कि एस कटेगा, वर्ब सिंगुलर हैव को कट करके, पजेसिव सिंगुलर देयर को कट करके, बात हो रही स्टूडेंट की तो आंसर जाएगा बेटा हिज। 3 एरर, पहले नाउन में एस कटेगा क्योंकि वन लग रहा है, वन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पजेसिव सिंगुलर, 3 एरर चल रहे हैं।
राइट ओके। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, मोर सिटी देन वन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। बताएं, मोर सिटी देन वन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट बताएं कि एरर क्या है। ना मेरे पास टाइम है इतना, ना आपके पास टाइम है, बिल्कुल भी फालतू की फिजूल की बात नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। यस, तो पहला एरर बेटा मोर आया तो नाउन कैसे चलेगा, प्लूरल, सिटी ना होकर सिटीज, और जैसे ही नाउन प्लूरल तो वर्ब जाएगा प्लूरल, यानी कि हैज ना होकर है। दो एरर है। ओके चलिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फटाफट इसके आगे चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू की बातें नहीं बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, सब में शेयर कर दो दोस्तों, सब में शेयर करो कि इतनी सस्ती एजुकेशन, ओके, इतना चीप एंड बेस्ट, आपको चीप प्राइसेस में बेस्ट क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, सबको शेयर करें। ओके चलिए तो आगे चलते हैं, आई होप ये बात समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट टाइम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, चैप्टर अपना चल रहा है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जब तक मैं बोर्ड को क्लीन करूं, फटाफट से भाई लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो आप लोग, भेजो अपने फ्रेंड सर्किल में सबको, लाइव बहुत कम देख रहे हैं यार, फटाफट से सबको भेजो जिससे कि और भी लोग जुड़ पाए और अपने फ्रेंड सर्किल में जोड़िए सबको। यस आइए पॉइंट नंबर 4। तो देखिए अगला पॉइंट समझने वाली बात यह है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलता है वन ऑफ, मिल जाए ईच ऑफ या मिले एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ एंड नन ऑफ, ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल गेट, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इफ यू गेट ऑल दीज वर्ड्स। सबसे पहली बात यह है, देखिए यहां से ये 7 वर्ड है अपने पास, और 7 वर्ड्स, 7 वर्ड से एग्जाम में 7 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, 7 तरीके से अलग अलग एंगल पर। अब उन 7 तरीकों को हमें समझना है कि किस तरीके से आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। जब आप किसी चीज को एक को देखो तो माइंड में ये सारी बातें चलनी चाहिए कि यार एग्जामिनर कहां से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए वन ऑफ में अगर मैं बात करूं, एक बात समझना, आप लोगों को ये गोल्डन रूल है, इस बात को माइंड में रखिएगा कि अगर ऑफ प्रपोजिशन है, यानी कि ऑफ से जस्ट पहले लगने वाला वर्ड, इसे हम कंसीडर करते हैं एज अ सब्जेक्ट, और ऑफ के बाद लगाया गया वर्ड कंसीडर होता है एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, और हमें लगाना है वर्ब। ध्यान समझना बेटा, समझना, ऑफ से पहले वन यानी कि एक, ईच की वैल्यू हर एक,
एवरी वन की वैल्यू हर एक, आइदर की वैल्यू दो में से, ध्यान देना दो में से एक, एनी का मतलब सब में से, दो से ज्यादा में से एक, नाइदर की वैल्यू जीरो और नन की वैल्यू जीरो। ध्यान दीजिए, ऑफ से पहले आने वाले वर्ड जितने भी हैं या तो वो एक है या वो जीरो है। अगर वो एक है तो भी सिंगुलर, अगर जीरो है तो भी सिंगुलर, क्योंकि बेटा प्लूरल की वैल्यू कितने पर शुरू करोगे, मिनिमम दो पर, मिनिमम दो पर शुरू करनी है तो, और वैल्यू दो से कम है, दो से कम है तो ये सारी वैल्यू बनी सिंगुलर, जब ये सिंगुलर बन गई तो वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। ऑफ से पहले अगर कोई भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब, यानी कि इस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी बेटा, सिंगुलर। दूसरी बात समझो, पहला क्वेश्चन वर्ब कैसा, सिंगुलर। दूसरा क्वेश्चन नाउन एंड प्रोनाउन कैसे लगाएं। तो देखो एक बात समझना, जब हम एक को सेलेक्ट करते हैं तो कभी भी एक में से एक को सेलेक्ट नहीं करते, हमेशा ग्रुप में से एक को सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो हमें ड्रेसेस खरीदने हैं, कुछ कपड़ा खरीदना है, शर्ट खरीदनी है, जैकेट खरीदनी है, तो हम दुकान में जब जाते हैं तो हम शॉपकीपर से कहते हैं भैया और दिखाओ, उसने दिखाया पसंद नहीं आया, भैया और दिखाओ कुछ नया दिखाओ, तो हम जब बहुत सारी चीजें देख लेते हैं उसमें से एक को सेलेक्ट करते हैं। सेम पैटर्न पर यहां पर है, जब हम नाउन की बात करें ज्यादा में से एक को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए नाउन एंड प्रोनाउन दोनों लगते हैं प्लूरल। कैसे लगेंगे, प्लूरल, हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन लगेगा प्लूरल। वर्ब कैसा, सिंगुलर, क्योंकि एक की बात चल रही है। नाउन कैसा, प्लूरल, क्योंकि ज्यादा में से एक की बात हो रही है। अगर तीसरा क्वेश्चन यहां से ये है, अगर नाउन और ऑफ के बीच में कुछ भी नहीं दिया गया है तो आर्टिकल लगेगा बेटा द, तीसरा क्वेश्चन आर्टिकल मिस कर देगा। चौथा क्वेश्चन पजेसिव क्या लगाओगे, अगर मेल की बात कर रहे हैं तो हिज, फीमेल की बात कर रहे हैं तो हर, और नॉन लिविंग है तो बेटा इट्स, चौथा क्वेश्चन ये। ओके, चार क्वेश्चन, वन ऑफ ईच ऑफ इन सारे वर्ड्स के साथ नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, क्योंकि ज्यादा में से एक को सेलेक्ट करेंगे, एक की बात कर रहे हैं इसलिए वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन और ऑफ के मिड में कुछ भी नहीं है तो आर्टिकल द, और पजेसिव लगाना है तो हिज, हर और इट्स, चार क्वेश्चन, डैम श्योर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये पूछता है, पांचवे नंबर का क्वेश्चन है, आइदर और एनी में डिफरेंस, आइदर और एनी में डिफरेंस। आइदर का मीन्स होता है आउट ऑफ टू एनी वन, दो में से एक, दो में से एक, यानी कि वन आउट ऑफ टू। एनी का मीन्स होता है दो से ज्यादा, में से एक, इट मीन्स वन आउट ऑफ टू, आउट ऑफ सॉरी मैनी, आउट ऑफ मैनी, दो से ज्यादा में से बात चल रही है। अगर मैं बोलू तीन चार पांच में से कोई एक है तो एनी, दो में से कोई एक है तो आइदर। इसके अलावा सिक्स्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम का बनेगा, वो बनता है नीदर और नन में डिफरेंस, नीदर एंड नन। नीदर बताता है वन आउट ऑफ टू, दो में से एक, सॉरी जीरो आउट ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, और नन बताता है जीरो आउट ऑफ मैनी, दो से ज्यादा में से कोई नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं।
ध्यान से समझते चलना भाई, फिर मैं कहना कि पवन सर ने समझाया नहीं। ओके, आराम से समझना है। बिल्कुल। आइदर का मीन्स एक, कितने में से बेटा? दो में से। एनी का मीन्स एक, कितने में से? दो से ज्यादा। नाइदर का मतलब बेटा जीरो, कोई भी नहीं, कितने में से? दो में से। नन का मतलब जीरो, कितने में से? ज्यादा में से। आराम से समझो। तो ये हो गए अपने छह क्वेश्चन, मिनिमम छह। ओके, सात आते हैं, सातवां भी बनाया जाएगा। जल्दी से देखो, चार क्वेश्चन ये होगा, पांचवा ये होगा, छठवा ये हो गया। अब क्वेश्चन सुन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द टू हैंड्स, नन ऑफ हिज टू हैंड्स इज वर्किंग प्रॉपरली। आपसे कहेगा इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर। नन ऑफ हिज टू हैंड्स इज वर्किंग प्रॉपरली, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, और लास्ट में है बेटा डी, नो एरर। ओके, चलो भाई जल्दी से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें कि एरर किस पार्ट में है और क्या एरर है, किस चीज को बदला जाए, किस चीज को बदला जाए, जल्दी से कमेंट करेंगे। वेरी गुड। देखो बात हो रही है टू हैंड्स की, नन ऑफ हिज टू हैंड्स, उसके दोनों हाथों में से कोई भी हाथ काम नहीं करता है, तो इसका मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब दो की बात चल रही है, दो की बात चल रही है, तो बेटा दो के लिए नाइदर लगता है। देखो ध्यान दो, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, इसका मतलब नन्ना होकर आंसर जाएगा नीदर, ए ऑप्शन, राइट। अगला बताओ, वन ऑफ माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, और लास्ट में नो एरर, ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट बताएं कि किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा हिस्सा है जिसमें गलती लग रही है आप लोगों को। वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद में देखेंगे, ऑफ और नाउन के बीच में अगर कुछ ना होता तो द लगता, और ऑफ और नाउन के बीच में माई आ रहा है तो द लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो नाउन कैसा, प्लूरल, नाउन प्लूरल चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंड को बना दो फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ईदर ऑफ द 11 प्लेयर्स played well. Come on guys, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे कि क्या एरर है सेंटेंस में। Either of the 11 players played well, कितने की बात चल रही है, कितने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 11। और 11 में से जब 11 की बात हो गई तो बेटा 11 के लिए देखो, दो में से एक, दो में से एक मतलब आइदर, और दो से ज्यादा में से एक यानी कि एनी, तो इसका मतलब आइदर को कट करो बेटा, आंसर बना एनी, राइट। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्लास में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, भाई जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, सब लोगों को बताएं कि इतना सस्ता और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट बैच आपको मिल रहा है,
ओनली 199 में, 199 रुपए में पूरा कोर्स आप लोगों को मिल रहा है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वोकैब एज वेल एज रीडिंग स्किल विद नोट्स पीडीएफ लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज 25 प्रैक्टिस सेट कम से कम 25। अभी तो एक क्लास चल रही है, मैं 3 क्लासेस आपको बैक टू बैक कराने वाला हूँ जिसमें प्रैक्टिस सेशन CHSL और CGL के लिए अलग, वोकैब की क्लास अलग और ग्रामर की क्लास अलग, 3 क्लासेस मिलेंगी आपको ओनली 199 में। तो वेट किस बात का दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन करो, ज्वाइन करें आज ही। और जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, जल्दी से इस नंबर पर मोर डिटेल्स के लिए 7835856156 पवन सेंगर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, व्हाटएवर यू वांट। और जल्दी से ज्वाइन करें, ओनली 199 में कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। तो आई होप यहां तक बात समझ गए होगे भाई। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बताएं कि सर ये डाउट है, कहीं भी कोई डाउट हो, अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि सर हमें ये डाउट है, किसी भी बुक का कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज मुझे शेयर करें फ्री, चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, चिंता ना करें। ओके, यस, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 अपना हो गया है, शेयर करते रहें अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जहां जहां आप जुड़े हुए हैं प्लीज शेयर करें। क्योंकि देखिए जो माउथ पब्लिसिटी होती है, माउथ मार्केटिंग होती है, इज द बेस्ट मार्केटिंग, और बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो सपोर्ट करें और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें लोगों को। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिए अगला वर्ड है ईच, सेवंथ पॉइंट इसका, एंड एवरी, ईच एंड एवरी। अगर हम दोनों की हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, दोनों का मीन्स होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक, क्या मीन्स होता है हर एक। लेकिन इंग्लिश के यूसेस की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। ईच एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, दोनों के लिए लगता है ईच। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ईच ऑफ द टू बॉयज, and we also say each of the 10 boys, but every is always used, lekin every ka used hamesha hota hai for more than two, for more than two, do se jyada ke liye hum karte hain hamesha every। agar main aapse ye bolun एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, तो बेटा ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। हमें बोलना है ईच, क्या बोलना है ईच, एवरी वन दो के लिए रखता, लेकिन आप ये बोल सकते हैं एवरी वन ऑफ द 10 boys, yeah, exactly it's right, two sabat, each के बाद आप of लगा सकते हैं, लेकिन every of दुनिया का कोई word नहीं होता, इसके लिए आपको लगाना है
एवरी वन ऑफ, ओके ईच ऑफ बिल्कुल सही है लेकिन एवरी ऑफ कोई वर्ड नहीं है, आपको क्या लगाना है एवरी वन ऑफ, राइट। तो ये डिफरेंस है ईच और एवरी के बीच में, ये मोर इंडिविजुअल होता है ये लेस इंडिविजुअल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करें, फटाफट से नोट करें कि भाई क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको ये बोल दूं एवरी ऑफ देम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, लास्ट में नोवेयर, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, ओके इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, सेंटेंस के कौन से हिस्से में एरर है, जल्दी से कमेंट करें फटाफट बताएं। यस गाइस, एवरी ऑफ कोई वर्ड नहीं होता, आंसर जाएगा आपका ए, एवरी ऑफ को कट करो, योर आंसर विल बी एवरी वन ऑफ, ओके यस एग्जैक्टली, वेरी राइट वेरी राइट, सभी लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए तो भाई आगे चलते हैं। तो देखो सातों तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, ईच ऑफ एग्जैक्टली क्या होता है, एवरी वन ऑफ क्या होता है, आइदर ऑफ क्या होता है, नाइदर ऑफ क्या होता है, नन ऑफ क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ओके तो अब कुछ वोकैब हो जाए, रिडेम्पशन फ्रेजेस, तो वोकैब के सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं कुछ idioms and phrases, okay? Basic to advance. पहले basic करेंगे, इसके बाद advanced level पर पहुंचने वाले हैं हम। चलिए तो करें फटाफट नोट करें। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड आज का, अ वर्ड्स आई व्यू, फर्स्ट वर्ड है अ वर्ड्स आई व्यू, यानी कि वर्ड्स का मतलब चिड़िया और चिड़िया का एक दृश्य। तो बताओ बेटा चिड़िया उड़ रही है और उसने एक दृश्य देखा, तो जब चिड़िया उड़ रही है अगर उसने दृश्य देखा है तो बताओ क्या वो एग्जैक्टली पूरी तरीके से देख पाएगी, नहीं, उड़ते उड़ते किसी को देखना यानी कि बोलते हैं सरसरी दृष्टि से, लिखेंगे सरसरी दृष्टि से देखना, इट मींस एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस, यानी कि किसी चीज को गौर से ना देखना बस सरसरी दृष्टि से देख लेना, उसे हम क्या बोलते हैं एट अ ग्लांस। चलिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलें। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है आज का अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब वैसे तो होता है लंगड़ा और एक्सक्यूज माने बहाना, बिल्कुल सही, एक लंगड़ा बहाना, एक झूठा बहाना, लिखें झूठा बहाना, यानी कि अन सेटिस्फैक्ट्री रीजन, यानी कि बेटा एक ऐसा कारण बताना जिसे दुनिया सुनकर ये कहे कि वाह कमाल का झूठ है। जैसे आपने सुना होगा एक बच्चे की स्टोरी, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बच्चा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो घर पे आके हमेशा बहाने लगा था, सारे बहाने खत्म हो गए तो एक दिन आके बोला पापा से, पापा मैं स्कूल नहीं जा पाया। कि क्यों? मैंने आज 100 सांप देखे रास्ते में, मैं जैसे ही जा रहा था रोड पे 100 सांप ऐसे खड़े हुए थे फन निकाल के।
तो पापा ने कहा कि अच्छा, तो उसने देखा उसकी तरफ, उसने दो थप्पड़ लगाए उसके लिए। जैसे ही दो थप्पड़ लगाए तुरंत बोला कि पापा आपकी कसम खाओ, 50 तो थी, 100 नहीं तो 50 तो थी, एक और थप्पड़ जड़ दिए और लगा दिया। बोले पापा कसम खाए कह रहा हूँ 10 थी, झूठ नहीं बोल रहा, कसम खाए कह रहा हूँ 10 थी। एक और लगाया थप्पड़, बोला पापा जोड़ा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ जोड़ा था आपकी कसम। एक और खींच के दिया तो बोला पापा सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, एक बार भी सरसर की आवाज़ आ रही थी, घास में से सरसर की आवाज़ आ रही थी। तो बेटा ये इसे बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, यानी कि ऐसा बहाना जिसे कोई ना माने आपके अलावा, उसे हम क्या बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री रीजन। ओके चलो अगला वर्ड, अगला वर्ड लिखते हैं तीसरा वर्ड, अ मैन ऑफ लेटर। देखो ध्यान समझाइए, अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर यानी कि एक ही व्यक्ति, पूरे गांव में एक ही व्यक्ति है बेटा जो लेटर पढ़ना और लिखना जानता है, एक व्यक्ति है जो लेटर लिखना जानता है और पढ़ना जानता है, तो सच सच बताना उसे हम होशियार मानेंगे या बेवकूफ। पूरे गांव में एक इंसान जो पढ़ना लिखना जानता है यानी कि होशियार, यानी कि मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है स्कॉलर। क्या मीन्स होता है स्कॉलर, यानी कि बुद्धिमान। ओके बुद्धिमान व्यक्ति उसे बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर। अगला देखें, अगला वर्ड है नंबर 4, अ मैन ऑफ पार्ट्स। ध्यान से देखेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब होता है अलग अलग हिस्से, एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर चुका है उसे बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि एक वही व्यक्ति दुनिया के हर हिस्से में काम कर सकता है जिसके अंदर कुछ योग्यता है, जिसके अंदर कुछ एबिलिटी है। तो अ मैन ऑफ एबिलिटी, अ मैन ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड अ मैन ऑफ पार्ट। एबिलिटी का मतलब योग्यता, योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को हम बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर, सॉरी अ मैन ऑफ पार्ट या मैन ऑफ एबिलिटी। अगला वर्ड देखें, यस चलिए नेक्स्ट देखें, अगला वर्ड नोट करेंगे पांचवा, अ स्लिप ऑफ द पैन, पेन का स्लिप होना। तो अ स्लाइट मिस्टेक इन राइटिंग, अ स्लाइट मिस्टेक इन राइटिंग यानी कि लिखने में एक जरा सी गलती हो जाना उसे बोलते हैं अ स्लिप ऑफ पेन, पेन का स्लिप हो जाना, बस लिखने में जरा सी गलती। तो हिंदी में कहेंगे लिखने में जरा सी गलती अगर हो रही है तो उसे बोलते हैं अ स्लाइट ऑफ पेन। हाँ जी, तो पहला वर्ड क्या है, अ वर्ड आई व्यू, यानी कि इसका मतलब होता है सरसरी दृष्टि से, अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। ओके झूठा बहाना। ओके अ स्लिप ऑफ पेन का मतलब होता है अ स्लाइट मिस्टेक इन राइटिंग। तो नेक्स्ट लिखेंगे अ स्लिप ऑफ ब्लैंक, जल्दी से बताओ। एक और इडियम फ्रेज है इसी के जैसा, अ स्लिप ऑफ, अ स्लिप ऑफ टंग, टंग माने जीप, जीप का रखना, यानी कि अ स्लाइट मिस्टेक इन स्पीकिंग, बोलने में जरा सी गलती होना उसे क्या बोलते हैं अ स्लिप ऑफ टंग। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट वर्ड है नंबर 7, अ स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ स्नेक, आस्तीन का सांप, यानी कि
सीक्रेट एनिमी, यानी कि एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ है, एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ है उसे बोलते हैं हम सीक्रेट एनिमी। लिख लो आस्तीन का सांप, जल्दी से लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, आस्तीन का सांप उसे बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। यस, नेक्स्ट लिखेंगे, अगला वर्ड है बैटर हाफ, बहुत ही फेमस वर्ड है, फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से बताएं इस फ्रेज का मीनिंग क्या है। बैटर हाफ सबने सुना होगा, आई होप सबने सुना होगा बैटर हाफ। बैटर हाफ का मतलब होता है बेटा वाइफ। अब देखो फ्रेज को देख के समझ जाना, बेटर तो है लेकिन हाफ है, हाफ आप बेटर बनना तभी जाके कुछ हो पाएगा। बेटर है हाफ, वो बेटर बनेंगे हाफ आप जब बनेगा कंप्लीट बेस्ट। ओके, तो बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ। नेक्स्ट आओ, अगला फ्रेज जल्दी से कमेंट करें, ये बैटर हाफ वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। यस, नेक्स्ट लिखें अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है भाई झगड़े की जड़, अ कॉज ऑफ क्वारल। A cause of quarrel, यानी कि झगड़े की जड़ को बोलते हैं बेटा हम a bone of contention, लड़ाई झगड़ा। ओके, अगला वर्ड लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड नंबर 10, नेक्स्ट वर्ड है किंग ऑफ टेरर्स, टेरर माने भय। जितने भी दुनिया के डर हैं उन सब में, डरों में जितने भी डर हैं उन सब डर का राजा कौन है बेटा, उन सब डर का राजा बस एक ही है, वो है डेथ। ओके, डेथ मृत्यु। तो मृत्यु को हम बोलते हैं किंग ऑफ टेरर। यस, तो 10 अपने इडियमन फ्रेज हो गए दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इसका और इनको रिवाइज करें, क्योंकि देखिए वोकैब को अगर आपको लॉन्ग टर्म तक माइंड में रखना है तो बस रिवीजन ओनली द वे। रिवाइज करें, बार बार चीजों को समझें, रिपीट करें, रिपीट 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 एंड रिपीट। हाँ जी, तो आई होप दोस्तों आज का सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जरूर करें, दोस्तों में भेजें, और जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ओनली 199 में इस कोर्स को जरूर लें। डैम श्योर, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस कोर्स के बाद इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आपका अपना पवन सेना। थैंक यू सो मच गाइस।